और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ से है। विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा कर रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पार्टी कार्यालय में ही मौजूद हैं और बहुत देर से समीक्षा का कार्यक्रम चल रहा है वहां पर। जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो अपनी समीक्षा रिपोर्ट लेकर पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय और अखिलेश यादव मंथन कर रहे हैं कि इन उम्मीदवारों की हार क्यों हुई और इस पर वो उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। कहीं भीतरघात तो नहीं हुआ, कहीं कमी तो नहीं रह गई, अगर कमी रही तो कहां रही, किस फ्रंट पर रही, किस मोर्चे पर रही, कहां दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, कहां उम्मीदवार ही कमजोर था, उनका ही फैसला गलत था। निश्चित रूप से समीक्षा के ये बिंदु होंगे वहां पर जब अखिलेश यादव ये बैठक कर रहे हैं। और नोएडा से प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी से बात की हमारे संवाददाता ने, आइए आपको दिखाते हैं। नोएडा से सपा के प्रत्याशी रहे सुनील चौधरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं, हाथ में रिपोर्ट इनके भी नजर आ रही है। बात करते हैं सुनील जी, आज काफी लंबा मंथन होने वाला है। हाँ, आज बहुत मंथन होने वाला है क्योंकि चुनाव का माहौल बहुत अच्छा था, हवा बहुत अच्छी थी, बीजेपी के खिलाफ लोग थे, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लेकिन एकाएक जो है उनके पाले में सीट चली जाती है, इतनी भारी मार्जिन से वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला लगता है। अच्छा, जो इतनी भारी भरकम रिपोर्ट आप लोगों ने भी तैयार की, समीक्षा अपने स्तर पर की, क्षेत्र की, आपको क्या कारण लगे? देखो, मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मेरा कैंडिडेट है वो एक बड़े राजा का बेटा था और पूरा प्रशासन शासन उसके साथ लगा हुआ था और उन्होंने पूरा प्रयास किया, हर चीज़ से पुलिस ने उसकी मदद की और हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने भी गड़बड़ी थी, क्योंकि कुछ बूथ ऐसे निकले हैं जिन बूथों पे सेम वोटें मिल रही हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि झुग्गी के वोट पर और सहत्ता के बूथ पर सेम वोट पड़ी हैं, उनको सेम वोट मिल रही है। तो हमारी एक आईटी टीम है जो इसकी जांच कर रही है और कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं निकालेंगे, कहीं ना कहीं कुछ तो मैनिपुलेट हुआ है। तो ये अंदर खाने की जो गड़बड़ी है, जो आपने कहा कि शासन प्रशासन पर भी आरोप लगाए, क्या अपनों ने भी कहीं पर नुकसान दिया? क्योंकि कुछ विधायकों ने तो पहले ये भी कहा था कि भाई हमारे अपने ही दगा देगा बीच में कई जगह। नहीं, इस बार जो है पूरी पार्टी एक थी और जिन गांव में कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट का स्वागत नहीं हुआ उन गांव में वो जीत रही है, जिन गांव में एंट्री नहीं मिली उन गांव में वो जीत रही है, जिन गांव में उनके एजेंट नहीं थे उन गांव में वो जीत रही है। तो कहना कि दाल में काला है, आज हम रिपोर्ट बना के लाएंगे और माननीय राजचंद्र अध्यक्ष जी को देंगे। और तो आपने नोएडा के उम्मीदवार की बात सुनी, अब आपको सीधा वहीं ले चलते हैं लखनऊ। शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ हैं जो इस बैठक पर नजर रखे हुए, हमें ताजा हालात बताएंगे, इस बैठक को चलते कितनी देर हो गई और कौन कौन पहुंचा, कौन कौन से हारे हुए उम्मीदवार अब तक पहुंच चुके हैं अपने हार की समीक्षा रिपोर्ट लेकर शैलेश वहां पर। देखिए, लगभग 350 उम्मीदवार जो हैं जो इस बार चुनाव में हारे थे उनमें अधिकतर यहां पर इस समय मौजूद हैं, पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। 11 बजे से बैठक चल रही है और यहां पर फिलहाल क्योंकि सभी जो अंदर लोग बैठक में शामिल होने वाले थे वो अंदर मौजूद हैं और इस समय उनमें प्रत्याशी भी और जिला अध्यक्ष भी देखिए मौजूद हैं। जो प्रत्याशी हैं जो हार गए थे वो अपने साथ एक रिपोर्ट बनाकर लाए, एक समीक्षा रिपोर्ट है पूरी और बहुत बारीकी से उस रिपोर्ट को देखिए तैयार किया गया है। उसमें अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो कई चीज़ें हैं कि चाहे वो बूथ से जुड़ी जानकारी हो, किस बूथ पर मजबूत रहे, किस बूथ पर कमजोर रहे, अगर बूथ पर कहीं पर कमजोर पड़े तो वहाँ पर वोटर कौन था, जाति के हिसाब से, वर्ग के हिसाब से कहाँ पर संभावना थी कि यहाँ से कितना वोट निकलेगा लेकिन उतना नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, इसके पीछे के कारण क्या है। रिपोर्ट में ये भी उसमें जिक्र किया गया है, देखिए सोर्सेज की माने तमाम विधायकों ने जो प्रत्याशी थे, माफ कीजिएगा, जो विधायकी के लिए प्रत्याशी थे लेकिन हार गए, उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं मेंशन किया कई लोगों ने उसमें कि उनके अपने ऐसे कौन से लोग थे जो कहने को तो सपा के साथ थे लेकिन अंदर अंदर उन्हें लगता है कि उन्होंने भी गड़बड़ कर दी, वो जाकर दूसरे दलों के साथ मिल गए और उसका नुकसान उठाना पड़ा, इन चीज़ों का भी जिक्र किया गया है। तो बारीकी से एक एक चीज़ को लेकर लिख कर लाए हैं, जहाँ पर शासन प्रशासन पर लगातार आरोप लगाया प्रत्याशियों ने वो भी इसे लिख कर लाए हैं। अगर बात करें अंदर जो लोग मौजूद हैं तो देखिए राम गोविंद चौधरी सुबह यहाँ पर आ गए थे, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो पूजा शुक्ला लखनऊ उत्तर से प्रत्याशी थी, सुनील चौधरी नोएडा से प्रत्याशी, इसके अलावा तमाम और प्रत्याशी यहाँ पर पहुँचे हैं और अखिलेश यादव के साथ में बैठक चल रही है इस समय 11 बजे से। अखिलेश यादव भी बैठक से लगभग 20 मिनट पहले ही पार्टी कार्यालय पहुंच गए थे और उसके बाद 11 बजे से बैठक शुरू हो गई और मंथन अभी जारी है अंदर। एक एक जो वहां पर लोग हैं, सबसे ज़्यादा देखिए अलग अलग कैटेगरी वाइज इन चीज़ों को देखा जाएगा, एक वो लोग जो लगता है कहीं ना कहीं इसमें देखिए एक चीज़ ये भी निकल कर सामने आ जाएगी कि कहाँ पर कैंडिडेट ही गलत उतार दिया गया, नहीं चयन गलत था, कहाँ पर कैंडिडेट मजबूत था लेकिन फिर भी हार हो गई, इन सभी चीज़ों को देखा जा रहा है और इस रिपोर्ट के आधार पर, इस मंथन के आधार पर तैयारी होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।